में तो अच्छी लग रही है, इसकी प्रमोशन देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है, समझदार फिल्म लग रही है, और इसका म्यूज़िक दिया है विजय शंकर ने, जो खुद बहुत अच्छा गाती हैं, उनका पहला म्यूज़िक डायरेक्शन का मौका है, उनका डेब्यू है, और उन्होंने मुझे कहा था कि इस फिल्म में आपका एक गाना होना चाहिए, तो एक बड़ा अच्छा शादी का गाना है जो इसका मैं हिस्सा हूँ, उसमें आपको पसंद आएगा। मेरी बहुत दिल खराब है, बट मस्ती के रंग चढ़ जाने दे, जाने का हल्ला मचाने दे, ऐसे कुछ गाना। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है और गाने भी देखे हैं जो रिलीज़ हुए हैं, और अभी फिल्म के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी फिल्म, तो उम्मीदें बहुत हैं फिल्म से। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मिक्स है पूरी कास्ट का, और संजय जी स्पेशली ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, एंड आई हैव स्पेशली कम फॉर ट्विंकल, टिया मेरी दोस्त है जिनकी ये फिल्म है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर। थैंक यू सो मच। बहुत खास दिन है, इट्स अ बिग डे फॉर मी। अरे बूम तो निकल गया तुम लोग यार। फिल्म का नाम जैसे कि बाकी की क्रेजी बारात है, तो हैड अ क्रेजी टाइम वर्किंग ऑन इट, बहुत मज़ा आया, एंड बहुत ईगरली एंक्शियसली और एक्साइटेड हूँ लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, वॉट दे हैव टू से, एंड सो या आई एम प्रीटी एक्साइटेड। या जी मेरे ख्याल से उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों को हंसाना ही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है आज के ज़माने में, व्हेन एवरीबडी इज़ सो स्ट्रेस्ड आउट अबाउट देयर लाइव्स, बट हाँ हमने अपनी पूरी कोशिश की है, अपना पूरा एफर्ट दिया है, एंड इतने अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं इस फिल्म में, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, विजय राज, सो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी की क्रेजी बारात ये फिल्म जो है मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ ट्रायल में, और मैं सच कह रही हूँ कि ये बहुत बढ़िया पिक्चर बनी है। इनफैक्ट मणि अय्यर एंड अनीता अय्यर हु आर फैमिली फ्रेंड्स, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। फोन रख दे, सब कुछ हो गया। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। या ओके, बाकी की क्रेजी बारात ये फिल्म मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, क्योंकि अनीता मणि अय्यर और मणि अय्यर जो इस फिल्म के क्या कहूँ मैं, आई मीन फॉर मी दे आर फैमिली फ्रेंड्स फर्स्ट, बिकॉज मैं उन्हें तब से जानती हूँ, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई नहीं थी तब से दे लाइक फैमिली फ्रेंड्स, और ऑफकोर्स मणि अय्यर हैज़ मेड जस्ट डायल ग्लोबली नोन एंड पॉपुलर, बट ये जो उनका एक नया रूप देखा मैंने अनीता और मणि जी का एज राइटर्स एंड स्क्रीन प्ले राइटर्स एंड डायलॉग राइटर्स वॉज इनक्रेडिबल, बिकॉज वेन आई सॉ द फिल्म I was like, I just came out and said that I'm seeing the two of you in new light, you know, so it was amazing. I've seen the film and it will definitely rock. Amita, comedy karna kitna mushkil hota hai kisi artist ke liye? Aapne kitne log kaam kiya hai comedy karne ke? Ji, maine kaafi sare comedy films mein kaam kiye hai. Samne main samne camera lens camera please. Okay, maine kaafi sare comedy films mein kaam kiye hai, including Welcome to Sajjanpur. थोड़ा ऑब्वियसली यू नो यू हैव टू, जो लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं उन्हें अपने अंदाज में बोलना और वो भी ऑडियंसेस को इस तरह से छूना कि वो हंस पड़े, ये बहुत मुश्किल काम है। एंड आई थिंक इन दिस फिल्म विजय राज, संजय मिश्रा जी हैव डन एन इनक्रेडिबल जॉब। अमृता, ये तो हुई बाकी की क्रेजी बारात की बात, लेकिन अगर आपकी बारात आएगी तो दूल्हे के अंदर क्या क्वालिटीज़ देखना चाहेंगे आप? आई थिंक पता नहीं, आई रियली डोंट नो, आई डोंट रियली थिंक सो मच। मुझे लगता है जो दिल को पसंद आता है इमीडिएटली वो ही होगा। आई डोंट रियली थिंक कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जब आप किसी को प्यार करते हो तो आई थिंक आप उसको रेसिपी इतना नहीं सोचते, उसमें हो जाता है। काफ़ी लंबा समय हो गया है आपको बड़े पर्दे पर देखे, तो कई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
जी आई थिंक मेरी पिछली फिल्म जॉली एलएलबी और सत्याग्रह, आई थिंक मैंने हमेशा सोचा है कि जो भी फिल्में करूँगी, थोड़ी सिलेक्टिव हूँ बट जो भी फिल्में करूँगी वो यादगार हो, याद रहे, एंड अगली फिल्म के बारे में प्रोड्यूसर्स बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, इसलिए मैं ज़रा अब बात नहीं करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। खैर, बड़ी सुंदर फिल्म है, बड़ा मज़ा आएगा आप सबको देखने में। मतलब 28 तारीख को रिलीज है, बड़ी पारिवारिक एंटरटेन है फिल्म और मज़ा आएगा आपको देखने में। अब देखो यार, जो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा है अंदाज, है ना। और बाकी सब काफी अच्छे अच्छे किरदार है फिल्म में, संजय जी है, काफी अच्छे अच्छे किरदार है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजेदार था। दिया, सत्यजीत, संजय जी, राजपाल जी, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था और सुंदर फिल्म है बहुत, आप सब देखें, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमें से शेयर करना? सात उचक्के एक फिल्म है जो आएगी अभी अक्टूबर में रिलीज होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड हुई फिल्म को लेकर, क्योंकि सबसे मेन रीज़न है कि जो फिल्म की हीरोइन है टिया वाजपेयी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आई हूँ। एंड डेफिनेटली कॉमेडी फिल्म है, बहुत यू नो मंजे हुए एक्टर्स हैं यहाँ पे, जो लोग जैसे आप विजय राज जी को देख रहे हो और बाकी जितने भी मूवी में है वो लोगों को मैं काफ़ी पसंद करती हूँ एज एन एक्टर। सो आई थिंक द प्रोमो लुक्स वेरी फनी, सो आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी हैपनिंग another 3 hours for myself. Honestly speaking, हाँ, मैं कॉमेडी और रोमांटिक बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और कॉमेडी डेफिनेटली हर किसी को पसंद आती है। अनफॉर्चुनेटली रोमांटिक मूवीज़ इतनी कम बनने लग गई है, तो जब भी कोई रोमांटिक मूवी रिलीज़ होती है मैं सबसे पहले दौड़ के जाती हूँ देखने के लिए, क्योंकि यू नो हम वीव ग्रोन अप ऑन सीइंग शाहरुख खान एंड उनका रोमांस। आई थिंक या इवन बिग बॉस मैं सलमान को ही देखना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक बिग बॉस कैन एवर बी बिग बॉस विदाउट सलमान, सो आई थिंक सलमान बहुत अलग इफेक्ट और अलग फ्लेवर लाते हैं बिग बॉस में ना, वो हमेशा वही रहे। नहीं बाबा, दो बार जाके आऊँगी, आई थिंक आई एम डन विद बिग बॉस।